आप मेरी कुर्सी पर बैठ गए। ओ भाई ये पहला बच्चा होगा पाकिस्तान का जो इस सीट पे बैठा होगा। भाई साहब इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद तो बहुत खूबसूरत जगह है यार। हाँ रोड पे तो रश होते रहते हैं यार, ये क्यों होते हैं? देख के तो ऐसा लग रहा है कि कोई फॉरेन कंट्री। हाँ यार ये लोकेशन बड़ी शानदार है। इस्लामाबाद जगह ही इतनी खूबसूरत है, मतलब इन्होंने जो सिलेक्ट किया है ना कैपिटल, ऐसा लग रहा था फॉरेन की गाड़ियां हैं, फॉरेन में घूम रहे हैं। रोड वगैरह कितना क्लीन था, सब कुछ काफी क्लीन था। इस्लामाबाद क्लीन और ग्रीन दोनों लग रहा था भाई। शिराजी विलेज व्लॉग कहां से कहां पहुंच गए भाई। प्राइम मिनिस्टर ने इनको मिलने बुला लिया भाई, इनका एक व्लॉग आया। और जैसे ही इनका व्लॉग आउट हुआ हमें बहुत रिक्वेस्ट आने लगी कि ये मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से, तो देख लो। पहली बात तो मुझे अभी तक यही क्लियर नहीं था कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बने कौन, डिसाइड हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, फिक्स हुआ है। अभी ये देख के लग रहा है कि हाँ शाहबाज शरीफ जो इन्होंने थंबनेल में लगाया है जिनका फोटो, वो बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर फिर से या फिर नहीं बने। आप लोग इसमें भी अब करेक्ट करना। हाँ ये तो पहले भी थे ना, ये भी हो सकता है कि जब तक वो नहीं बने तब तक यही है नया प्राइम मिनिस्टर। या कमेंट करके बताना क्या ये बन चुके हैं क्या, मतलब अभी हम देख नहीं रहे, न्यूज़ फॉलो भी नहीं कर रहे पाकिस्तान की। चलो देखते हैं अपन ये व्लॉग पहले तो। क्या बात है, भाई साहब। प्राइम मिनिस्टर के सामने इतना कॉन्फिडेंस बच्चों में हो सकता है इतना कॉन्फिडेंस। आज हम तैयार बयार होके वजीर आजम के घर जा रहे हैं। हाँ वजीर आजम को नहीं, लेकिन वजीर आजम साहब ने हमें बुलाया है उनके घर, फिर हम जा रहे हैं। पता नहीं उनका घर कैसा होगा। ये देखो मुस्कान कार्टून देख रही थी। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो घर देखने की होगी यार। मुझे और रोमन और याना बहुत अच्छा लगता है। रोमन और याना मेरे भाई का झगड़े तो लाइक लाइक कमेंट कर शेयर कर रहे हैं कहना। डियाना क्या पहनाया हुआ है यार। मैं तो बाबू लग रहा हूँ, बाबू दफ्तर का बाबू लग रहा हूँ। अभी बाबू सब दफ्तर जाएंगे। आ जाओ ना मुस्कान, देर मत करो, मोबाइल थोड़ी देर बंद करो। क्या बात है, कभी बोला हो सलाम करने के लिए। गाड़ी में सलाम कर रहा है। ऑफ यार गाड़ी में सलाम नहीं करेगा, अभी यहां सलाम गाड़ी में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसा है? मैं खा खा रहा हूं क्योंकि ये भाई ये बाबा ने ये गाड़ी। इनका जो खैर खैरियत बता रहा है मेरे को वो बहुत क्यूट लगता है। उम्मीद आ गई सबका प्रेम से और सबका ट्यू मैचन। तो चलो यार अभी नाश्ता करते हैं, फिर वजीर आजम से मिलने जाते हैं। One hour later. ये देखो अभी हम वजीर आजम साहब से मिलने जा रहा है। देखो मैं वजीर आजम भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। वजीर आजम पता नहीं किधर है, इतना दूर है या कहाँ है पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शिराज, खुश हो? जी खुश, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद पहुंच गए। जंगल है और देखो इतना जंगल है, खत्म नहीं हो रहा। इसमें शेर है। इस्लामाबाद तो बहुत खूबसूरत जगह है यार। हरियाली बहुत, पहाड़ से भरा बिल्डिंग है और ये क्या है यार। इसको देख के मेरे दो दो टोपी ही गिर जाएगा यार, मैं क्या करूं। ओ उधर एक पहाड़ है यार, इसको मरगला पहाड़ कहते हैं। देखो उधर एक पहाड़ है यार, हमारे गाँव है ये। क्या ये हमारा गाँव? यहाँ पे तो पहाड़ ही है यार, मैं ढूंढ रहा था पहाड़ तो मिल गया। यस यस ये लोग, हम तो वजीर आजम के वजीर आजम। ओ भाई व्हाइट हाउस पहुंचने ही वाला है, ये फिल्मों में दिखाते वो वाला है। पहुंच गया देखो, बहुत शानदार है यार। पर जैसा भी है प्रेसिडेंट हाउस है क्या ये? प्राइम मिनिस्टर हाउस है क्या? मुस्कान को तो गाड़ी में बहुत मजा आ रही है, मुझे भी आ रही है। यहाँ रोड पे तो रश होते रहते हैं यार, ये क्यों होते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई फॉरेन कंट्री। हाँ यार ये लोकेशन बड़ी शानदार है।
गाड़ियाँ बड़ी महंगी महंगी चल रही है, आप बताओ मुझे। गाड़ियाँ भी महंगी महंगी चल रही है उसके एरिया में। इस्लामाबाद में तो मुझे लगता है सब हाई क्लास लोग ही रहते होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देखो ये सब मेरी वीडियो बना रहा है। मैं पीछे का व्यू तो देख, टीचर का क्या नाम है, विंडो के बाहर का व्यू। उनको आप क्या बुलाते हो, क्या कह के बुलाते हो, टीचर कह के बुलाते हो, उस्ताद है ना उधर, एक ही उस्ताद है, वो सारा कुछ पढ़ाते हैं। मैंने वो मोबाइल मोबाइल चलाते हैं। ये भी ऐसे नहीं है, कपड़े भी लिए हैं, वेरी गुड। इस पे कलर करो, कलर चूज करो, कौन सा कलर, अच्छा टीवी है ना ये, इससे वो मिटा देगा। वाओ आइडिया आइडिया है, उधर न्यूज चैनल चल रहा है पीछे। एस एच ई आर ओ शेराज मिटा रहा था। अरे भाई साहब 10 मिनट के बाद तो बच्चे को सब कुछ याद हो गया होगा, इसलिए वो कॉन्फिडेंस देख रहे हो। फिर आज क्यों रुक गए, वजीर आजम से मिलने के लिए। तो क्या नाम है वजीर आजम का, पता नहीं। तो वजीर आजम क्या करता है, इंटरनेट देगा कि नहीं, पता नहीं। ऑलरेडी यूट्यूबर है, इसके बाद क्या बनना, इसके बाद पता नहीं, पता नहीं। 5 hours later ये देखो अभी हम वजीर आजम हाउस में पहुंच चुके हैं, हम सुबह मिला था ना, फिर टाइम नहीं हुआ, अभी मिला है। देखो यार वजीर आजम हाउस तो कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छा है यार, देखो कितना पानी है यार, मछली है। अभी हम कुछ ही देर में वजीर आजम साहब से मिलने जाएंगे। यार मैं मुस्कान के साथ लड़ाई होकर मुस्कान मुझे मारा है यार, देखो वही सोच रहा था मैं, ये क्या हो गया सिर पे, ये क्या है यार, कान बड़ी खतरनाक है। ऐसा तुम नजर के साथ में का देर की ये बे ये बड़ा बड़े रंजन डॉक्टर है, तो ये बहुत पानी है यहाँ पे, तो बहुत मजा आ रही है यार, देखो यहाँ पे तो फरवाड़ा है। मुस्कान मेरी अम्मी के पिक्चर बना रहा है, इनका कॉन्फिडेंस माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल। ये तो नकली घास है, अभी हम जा रहे हैं। वाह अस्सलाम वालेकुम, देखो अभी हम जा रहे हैं, वीडियो बनाने की इजाजत दी गई, ये देख रहा तू, ये मतलब प्राइम मिनिस्टर के हाउस के अंदर की सब चीजें दिखा रहे हो, सब बिग थिंग यार, किश्ती है यार, देखो किश्ती, हां छोटा छोटा किश्ती है यार, मैं यहां कैसे बैठूंगा, हां कैसे बैठूंगा, एक किश्ती है छोटा छोटा सा। चलो अभी और चीज क्या है, और क्या है, यार इसका मतलब मेरे दाख के, वाओ वाओ क्या जगह है, खूबसूरत है यार ये कमरा तो, यहाँ पर मीटिंग होती होगी मेरे ख्याल से, वो जो बाहर का कोई प्राइम मिनिस्टर आता होगा। सही है, दो कुर्सियां लगी हुई है यार,
इमरान खान का फोटो लगा प्राइम मिनिस्टर्स में के लगे होंगे शायद। अच्छा। जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनके। हाँ ये सरकारी है ना घर, तो सही बात है। अभी वज़राज़ा साहब आने वाले हैं, फिर उनसे मैं आपको मिलाता हूँ इंशाल्लाह। इस सीट है वज़ीर-ए-आज़म साहब की। कैटिन 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 वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तो बाल भी है यार। देखो ये बाल है यार, वरना ये जमीन होता था वाला। सोना की चांदी, चांदी की सोना, सोना की चांदी। वाओ ये देखो सोना की चांदी मिल गया मुझे। अरे ये गलती से ऐसा बोल दे तो हमसे ही लूट के रखा है। बच्चे हैं दिल के सच्चे। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ। अभी बस दो मिनट में आने वाले वो। ये देखो वज़ीर-ए-आज़म का हाउस कितना खूबसूरत है यार। यार वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तो ऐसा मत करो। समझ गए यार। तो आ गए। क्या हाल है फिराज? ओ भाई नाम याद है। ठीक हो? क्या हाल है? भाई कॉन्फिडेंट बहुत है भाई। कहाँ जाएं? वहाँ से गिलगित जाएं? गिलगित नहीं। हाँ। गिलगित बाल्टिस्तान से। गिलगित बाल्टिस्तान। क्या बात? पूरा बोलो चिस्ता। बहुत अच्छी बात। आप इतना बड़े अच्छे व्लॉगर बन गए। हाँ तो क्या दिखाओ ना अपने व्लॉग दिखाओ जरा। हाँ क्या हाल है? हाँ जी आ जाओ। आपकी बहन कहाँ है? बहन बहन तो उधर है। उसका नाम मुस्कान है। जी मुस्कान। हाँ हेलो मुस्कान, क्या हाल है आपका? हाँ और अस्सलाम वालेकुम मुस्कान। कुछ क्या व्लॉग करते हैं आप? बनाए ना आपको बताएं। तो बड़ी खुशी हुई है आपको मिल के, तो बड़ी खुशी हुई है आपको भी मिल के। अच्छा। मेरा नाम पता आपको? हाँ शिवाज जी अंकल। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी कुर्सी बैठ गए। ओ भाई ये पहला बच्चा होगा पाकिस्तान का जो इस सीट पे बैठा होगा। बात सुनो। आज मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया। ओ भाई साहब आज आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए। शाबाश, तालियां मारो भाई, तालियां। शाबाश, क्या बात है। कॉन्फिडेंट भाई बहुत है। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल यार। आप पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। कौन सी क्लास में? वन में। उतर नहीं रहे भाई। पब्लिक स्कूल में। अभी आपने पढ़ना है या वज़ीर-ए-आज़म बनना है? अबे मैंने पढ़ना है। पढ़ना है फिर बनना है। बनना है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। बड़े होकर क्या बनोगे? बड़े होकर यूट्यूबर बनोगे। क्या बनोगे? यूट्यूबर। अच्छा यूट्यूबर बनोगे, वाह अच्छा। तो आपको वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में आजकल सर्दी है? सर्दी है, बहुत सर्दी है। बहुत सर्दी है। गर्म कपड़े की जरूरत है? गर्म कपड़े। अच्छा तो फिर मुझे आप अपने घर में दावत दोगे? जी। कब दोगे? कल दूंगी। शाबाश। आज क्या व्लॉग किया आपने? पूरा वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिला। वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत अच्छा था। मुझे भी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिल के बहुत खुशी हुई। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमारे गांव में स्कूल भी बनाएगा, हॉस्पिटल भी बनाएगा बोला है। ओहो अभी हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिल के बाहर आए हैं, देखो क्या बात। ओ भाई साहब, स्कूल हॉस्पिटल की भी बात कर ली भाई। ये बंदा तो मतलब, अब ये अगर घर जाएंगे ना, ये इनके खुद के घर जाएंगे ना,
भाई इनका बैंड बाजू से स्वागत इस्तकबाल होने वाला है पक्का। ये भाई स्कूल भाई गया था ये घूमने उधर से स्कूल और हॉस्पिटल लेके आ गया यार गांव वालों के लिए। मतलब वैसे इनका कॉन्फिडेंस मेरे को बहुत गजब का लगा भाई। मतलब सबसे बेस्ट चीज कि उनको पता है कि मैं जो चाहे बोल सकता हूँ और मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा। ये चीज उनको पता है, पहले से पता है, तो वो उससे ही आपको कॉन्फिडेंस आता है कुछ भी करने का। बात तो सही। तो मेरे को ये चीज देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना क्लेवर है वो अभी से, अच्छा लगा माशाल्लाह। उनकी बहन भी बहुत सुपर क्यूट है। और इसी बहाने भाई हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस देख लिया भाई। तो वो एक ज्यादा अच्छा लगा देख के। मतलब अंदर तो दिखा दिया कि रूम इधर से ऐसे जाना है, इधर से ऐसे जाना है। सब सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं पुराने, उनके सबके फोटो लगे हुए हैं अंदर। ये हमने आज तक नहीं देखा था, शायद आज तक नहीं देखा। कितने वीडियो देखे हमने पाकिस्तान के, लेकिन ये कभी नहीं देखा था। तो फाइनली आज ये भी पता चल गया कि अंदर एक भैया हिरन का जो भी वो जब भी बोलते हैं आपके यहाँ पर उसको, उसका सिंग रखा हुआ है और कुछ और भी चीजें रखी हुई है, सोना चांदी सोना चांदी। मतलब इतनी प्यारी की गार्डन कैसा है वो देख लिया हमने। फोमारा कैसा है, उसका पानी कैसा, बहुत खूबसूरत है भाई। मतलब और इस्लामाबाद जगह ही इतनी खूबसूरत है। मतलब इन्होंने जो सिलेक्ट किया है ना कैपिटल, ऐसा लग रहा था फॉरेन की गाड़ियां हैं, फॉरेन में घूम रहे। रोड वगैरह कितना क्लीन था, सब कुछ काफी क्लीन था। इस्लामाबाद क्लीन और ग्रीन दोनों लगा था, बहुत जबरदस्त। बाकी आप बताइए कौन कौन इस्लामाबाद से है और वहाँ पर वहाँ के बारे में कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। कोई अच्छा वीडियो सजेस्ट करना हो तो कर सकते हैं, जिससे इस्लामाबाद के बारे में और डीपली जानने को मिले। बाकी शिराज भाई तो छा रहे हैं भाई पाकिस्तान में पूरे। बताना आप लोग आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन भी ऑन कर देना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।